तारीफ ही करते परमेश्वर और ताड़ा धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय पिता ताड़े वचन से लिखा जिथे दो या तीन मेरे नाम इकट्ठे होने उस जगह हाजिर होवांगा। सचमुच परमेश्वर तुसी इस मंडली च हाजिर हो मेरे सामर्थी पिता, ताड़ा धन्यवाद ताड़ी तारीफ ही करते परमेश्वर। जिन्हें भैन भाई ताड़ी हजूरी विच बैठे एक एक दे साथ हो, जे दुखी बीमार आए परमेश्वर ताड़े घर विच शिफा पा के जान मेरे सामर्थी पिता, ताड़ा धन्यवाद ताड़ी तारीफ ही करते परमेश्वर। ताड़े प्रिय दासां नूं ताड़े हत्थां विच दे देने जो तुसी अपने दास नूं इशू के कामल शिफा दिती रहिंदियां घाटा कमियां तुसी पूरियां करन वाले सामर्थी पिता जी, ताड़ा धन्यवाद ताड़ी तारीफ ही करते परमेश्वर। अज जिथे जिथे ताड़े नाम दियां आराधना हो रही तीह गुणा सठ गुणा फल पाउंदे लायक होण मेरे सामर्थी पिता, ताड़ा धन्यवाद ताड़ी तारीफ ही करते। ताड़े प्रिय दास नूं ताड़े हत्थां विच दे देने परमेश्वर, जो अज दा वचन होवे ताड़ी मर्जी मुताबक होवे परमेश्वर, ताड़ा दास ना बोले ताड़ा पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर, तुसी अपने दास दा मूंह बन के बोलो मेरे सामर्थी पिता, ताड़ा धन्यवाद ताड़ी तारीफ ही करते परमेश्वर। तुसी अग दा ताया वचन दो मेरे सामर्थी पिता, ये वचन सुन के परमेश्वर इन्हां दे हिरदे और गुरदिआं नूं परमेश्वर ये अज दा वचन ठहरे परमेश्वर, अज दा वचन सुन के परमेश्वर बहुत सारियां रूहां नूं दस सकन परमेश्वर और बहुत सारे लोग बचाए जाण परमेश्वर, ताड़ा धन्यवाद ताड़ी तारीफ ही करते। दया कृपा करो, रहम करो, तरस करो, प्रार्थना सुनो ते कबूल करो, यीशु दे पवित्र नाम से मंगदे हां, आमें आमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्टाइल चेंज करो यार, और को दे दे इंडिकेटर जगह ना, और को दो मैं वाला मैं हालेलुया हालेलुया। सब को लोग खुदा दा वचन आज आप देखने जा रहे हैं बिरानिया उदा 12 नंबर चैप्टर किन्ने लोग तैयार है प्रभु के वचना के वास्ते, क्योंकि वेखो अजीजो बार बार एक ही आवाज़ आती है कि जिन्ना चिर असी बाइबल से फोकस नहीं देवांगे तद तक आप चर्च बदलते की करांगे। किन्ने लोगों ने समझ आ रही है, मैं थोड़े दिन एक बंदे का प्रचार सुन रहा खुदा दे दास का, कहिंदा अज वड्डियां मिनिस्ट्रियां विच भी लोग आउंदे आ, एक मीटिंग वेंदे जां दो जां तीन वेंदे आ ते चौथी मीटिंग चों लभदे नहीं। किन्ने लोग सुनदे, उहदा कारण है क्योंकि अज लोगों के अंदर वचन नहीं आ, वचन ना होण करके प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा बंदवाइयां दे विच आ। किन्ने लोग सुनदे अदर, प्रभु का वचन ना होण करके अज खुदा दे लोग जिहड़े आ बंदवाई च आ। आमीन। अज मेरे जीजो आपां प्रभु दी बाणी नूं ध्यान दे के अपने हिरदे च रखना, जिन्ना चिर वचन साडे अंदर नहीं आएगा तद तक साडी लाइफ कदी भी चेंज। इधर ध्यान दो, किन्ने लोग यहोशू दे बारे जानदे, सब नूं आवाज़ क्लीयर आ रही है, आवाज़ साडे तक पहुँच रही, ओके घट रखाई आ। यहोशू जिहड़ा सी उहने 40 साल अपने गुरु दे कोलो ट्रेनिंग लई, किन्ने लोग जानदे आ यहोशू। उस तो बाद जो आप देखते हैं प्रभु का दास एलिया और अलीशा, उन्हें भी अपने गुरु नाल वफादारी निभाई। अज मेरे जीजो वेखो प्रभु बार बार एक ही गल करता, मैं जिनी मर्जी फायर प्रेयर करा ला, मैं जिन्ना मर्जी ताडे ऑयल ला दा, मैं जिन्ना मर्जी ले हैंड करदा, जिन्ना चिर बाइबल पढ़ के तुसी अपनियां आदतां नहीं चेंज करोगे एक दास कोल टिकोगे नहीं, उहदा कोई भी उत्तर। अदर बाइबल च लिखा जो दानियल ने वर्त रखिया 21 दिन का फास्टिंग किया दानियल ने, और बाइबल च लिखा उन्हू अद्धे रोजे में ही प्रभु ने आंसर दिता, उत्तर दिता। कहने लोग सुन दे क्यों, उदे विच कारण सी मेरे जीजो, लिखा जद उसने पहले दिन मन समझन लई लाया और अपने आप नू प्रभु दे अधीन किया, उस वक्त परमेश्वर ने उहदी प्रेयर का उत्तर की कर दिता। पर उत्तर किन्ने दिन बाद आया, सिर्फ अपना हाथ खड़ा करके दसना उत्तर किन्ने दिन बाद आया, मैं दो हाथ
2-3 ਪਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸੁਣੋ ਭਾਈਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਅੱਧੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਮੀਕਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਾਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਟਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜ ਮਨੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਦ ਬੀਪੀ ਆਈ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਆ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੂਆ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਮੰਨੀ ਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਉੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਅਟਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ 21 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਭਾਟੀ ਹੋਣੀ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ 4 ਜਣੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਾਟੀਆ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਨਚੋੜ ਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਯਾਰਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀ ਹੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 4-5 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਨੋਰਮਲ ਸਾਹਸ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਪੁਰਪਟ 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਲ ਬੂਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਾਰਨ ਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਈ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਪੀ ਦੇ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਕਿੰਨਾ 80 ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪੁੱਟਣ ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਵੱਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਆ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੋ ਗਏ ਜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੂਹ 'ਚ
किन्ने लोग अच्छ दवाइया खा खा ढिड भरी जाते पर कोई भी असर। सब तो पहला वेखना जो मेडिसिन चल रही है सिरे मेरे घर से शराब तो नहीं प्रभु का। उस तो बाद वेखो खुदा ने ब्लैसड करता ओके हो गए। चर्चा ने उधर फोन आन डे मैं क्या अज संत ठीक नहीं अज नहीं उन्होंने कहा जाना कोई नहीं। उस तो बाद परमेश्वर ने वेखो बड़ा वाला मैरीकल किया अज हाँ लाइफ च। देखो मेरे जीजो छोटी जी फाइट नहीं बड़ी तगड़ी फाइट बड़ी तगड़ी जंग ही जी अज जीती आप। पर मैं तुम्हें यह दसना चाहना कि कली दवाई नहीं असर करेगी तुम युद्ध करना की है योद्धे प्रेयर के योद्धे बनना पैना। उस तो बाद प्रेयर की ओके काम हो गया। ये बंदे आए संत कहते यार मेरी बार ड्राम जरा मेरे कुर्सी मैंने प्रभु ने 10 मिनट पहले कहता ही हूँ इन्हें गेट के अगे जाके बहना शैतान पता कहता इन्हें नहीं भजना हूँ ये क्या क्या काम। मैं क्या चल गया जा रहा ये प्रभु जानता कोई गल नहीं। रेत उत्ते करना उच्चिया ते लंबिया मंजिलां ने सारे बोलो एक बार मेरे ना उच्चिया ते लंबिया मंजिलां ने राधे विच आउणिया आउंदी अगड़ी पास्टर दे भी नहीं जी पास्टर आ ते पास्टर की गल खांदा नहीं धरती दा जे पास्टर आ ते साडा जोत भी डबलिया। प्रेयर कीती और खुदा ने वेखो बाद च संत कहिंदे घर किन्ने किन्ने रहना बाद च कहिंदे नहीं यार मैनू भी तैयार कर मैं भी अज मीटिंग वेखण वास्ते की आ। वेखो मेरे जीजो हर बंदा डर जाता मैं सच गल मेरा बड़ा मन डोल गया सी खुदा की हो लगा शैतान फिर सानू पुठे राह लगा पाउण। और मैं तैनू दसना चाहना कि 3 बजे की प्रेयर स्टार्ट हुई वह उत्तर मिले 5 बजे समझ आई। हुण दानियल ने रोजा रखिया उन्होंने अद्धे दिन च उत्तर मिलया पर उन्हों उत्तर किन्ने दिन बाद किन्ने दिन बाद आन के मिली 21 दिन बाद। क्यों? क्योंकि शैतान जड़ा फारिस का राजा फारिस का प्रधान उन्हें दसिया मिकाएल ने आन के आख्या कि मैनू उन्हें किन्ने दिन 21 दिन अटका किए। कुछ प्रेयर होंगी जी उस वेले कुछ होंगी जिन्होंने थोड़ा जा समा किए समझ आई। अड़े ते खड़े की करना जोहोशू बनना अलीशा बनना गेहजिनी बनना किन्ने लोग सुनते हैं जो कोई मर्जी करे चर्च नू छड़ना नहीं मेरे भैन भरा जे बरकत अज ब्लैस होण। मैं कली बरकत की गल नहीं करता बरकत एक सैड से आ। सब तो पहला तुहानू यह पता लगू कि कल नू मेरे उपर जबरी आएगी कल नू मेरे ते प्रॉब्लम आउणगियां किहड़ा वचन खोलांगा किहड़ा वचन पढ़ांगा किहड़े वचन चों मैं कितना बाहर निकलांगा किन्ने लोग सुनते। सब तो पहले तुहानू पवित्र वचन का पता होना चाहिए कि मैं कितना निकलना बाहर। हुण दानियल ने जदों वर्त रख्या सब तो पहले दस्या उन्हें वचन से मन लाया ध्यान दे के प्रभु के वचनों सुनिया समझिया फिर उन्हें फास्टिंग करना की किया। दूसरा नंबर उन्हें अपने आप को अधीन किए तो खुदा ने उत्तर की कर दिता किन्ने लोग उत्तर चाहते हैं। बस अपना मन पहले किधर लाना वचन समझना इनू खाना रोज हिस्केल नू प्रभु ने बोलिया कि लपेटवीं पत्री खा ले तो अपनी आंदरा की कर ले भर ले की कहता परमेश्वर हिस्केल नू कहता फस्ट जो हिस्केल होता 13 मतलब 3 नंबर पढ़ते उत्थे कहता ये लपेटवीं पत्री की कर ले खा ले तो अपनी आंदरा की कर। हुण चल इजराइली जड़े मेरा घराना वो आकी घराना वा आता सुन जा ना सुन पर तू उन्होंने जाके मेरिया गल्लां की कर मारो तालियां क्योंकि मेरा काम है तैनू दसना ताडा काम मनना जा ये मेरा काम। आमीन। चर्च बदली जाओगे आदत बदलोगे नहीं चर्च बदली जाओगे गाला छोड़ोगे नहीं चर्च बदली जाओगे चूना बंद नहीं करोगे चर्च बदली जाओगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बंद नहीं करोगे तो की होएगा। पहले नंबर से अपनी आदतों की करो चेंज करना प्रभु तुम बहुत जल्द उत्तर देगा। सब को बिरानी आ ओदा 12 ओदी 1 तो लैके 4 तक पढ़ांगे उस तो बाद आपां समाप्ति करांगे। आमीन। मैं जल्दी जल्दी आवांगा चलिए हैंड मीटिंग हैगी आ मैं लिए हैंड भी करांगा सारे दी हाँ जल्दी अज आपां 3 दे विच वी समाप्ति कर देनी आ 4 नहीं बजनी क्योंकि वड्डे संत पहले कहंदे 2 बजे तो समाप्त कर दिया कर ज़्यादा लंबा कम ना रख। बाइबल च लिखा इब्रानियां नू जदों खोलदे आ परंतु जदों अगवावां दे इन्ने वड्डे बदल ने सानू घेरिया होया है तां आओ असी भी हरेक पार अते उस पाप नू जिहड़ा सहज नाल पसा लैंदा है
परे सुट के उस दौड़ वाल उस दौड़ विच जो साढ़े सामने है पई है सबर नाल की करिए तारीफ करो। पहले नंबर से गवाह कौन है? खुदा दे दास लिखा जी तू एडे वे गवाहों के बदल ने सानू घेरिया तदा आओ असी हरेक भार न हरेक पाप न जोड़ा सानू सहज नाल की कर लेंदा। इधर सुनो सहज नाल की करता सहज नाल कि बसा सू जो ही पार्टिया में बहने तो कहता वो यार कोई नहीं इन्नी कलौनी की कर ला इन्नी कलौनी ला ला शैतान सानू सहज नाल की कर लेंदा कुड़ी अगे लै गा तो कोई गल नहीं कुछ नहीं हुंदा माफ़ी की कर ली पाप सानू सहज नाल की कर लेंदा सहज ना फसदे लोग। बाइबल दे विच लिखिया जो तो पहला जबूर पढ़ते हैं बाइबल च लिखा तन्ने ही वो मनुख जिहड़ा दुष्टा की मत ते दुष्टता सहज नाल की करता जे वो कोई नहीं प्रसाद ही खाना दवा करके की कर ली चल छे महीने मंजी ते भी जाना आप इधर प्रसाद खाना उतो छे महीने मंजी ते लक भी की करना रगड़ना आप वो भी नाल ही तैयार रखना क्योंकि पाप जिहड़ा तुहानू सहज नाल की कर लेंदा। हुण परमेश्वर दा दास कहिंदा अंत उस पाप नू परे सुट के उस दौड़ विच दौड़िए जिहड़ी साडे सामने की है जिहड़े दूजे भैण भरा की कर रहे ने आता सबर नाल की करिए सबर के बारे किन्ने लोग जानते जी फुल फॉर्म के बारे किन्ने लोग जानते सबर एक भैन का हथ खड़ा दो तीन होर कोई दसो भी सबर किनू कहिंदे आ हालेलुया। सबर का मतलब जो चौल तरह जो रोटी पकड़नी तो कहीं छत्ती छत्ती कच्ची दे दे मैनू खीर गर्म गर्म ही मूझ की कर दे कई खीर गर्म वाले भी है गया एक मीटिंग वेखी दो वेखी तीजी वेखी चौथी वेखी नहीं होया तो अटके की हो गए किने लोगों ने समझाई उन्हें की आख्या आता उस पाप नू सुट दी है संत पौलुस कह रहा है इब्रानियों की कलीसिया नू आता जिहड़ा सहज नाल सानू बसा की है। इधर पास्टर कहता प्रसाद नहीं खाना लंगर नहीं खाना उधर बाल्टी मिल गई यारां दी ओ यार कोई नहीं तू पास्टर दे कोल माफ़ी की कर ली पास्टर दे माफ़ कर दू पर उत्तों नहीं ना माफ़ी होनी। मैं कई बार बोला कि दैनी जो दाऊद ने पाप किया उन्हें माफ़ी भी मांग ली नथान नू की आंदा आंदा मैं बहुत वड्डा परमेश्वर दे के पाप कर दिता जो मैं ऊरिया हितिया दी करदी नू प्रिस्ट किया उहदे नाल मैं रिलेशन किया की कहता आंदा मैं बहुत वड्डा पाप किया की कहता गाड़ियो नबी कहता ठीक है तू पाप किया परमेश्वर ने तेन मारिया नहीं आ पर तेन सजा जरूर की करेगा प्रभु मारता नहीं है रगड़ता फट के मूह तो पेंदा बच्चे की करता वे संत कहते ताली मारो इन्ना ताली अज मगरों मरानी जे कमैक दे दो मगर ने बने जे कमैक फड़ा के बच गए संतान हले लुई आज मेरे चीजो ये तैनू प्रभु का वचन सिखा रहा कि सहज नाल शैतान सानू हौली जी बसा की है बसाता कि नहीं यूसुफ नू भी मौके मिले गलत काम करन दे पर उन्हूं पता जे मैं एक पाप कर लिया तो सहज नाल मैनू शैतान ने बसा की है तो मैं जिहड़ा की बाना सी की बाना मैं जिहड़ा की बाना सी बोलो बोलो कलीसिया आजाद किन्ने लोग सुनते इन्हें वचन हजारों बार सुनिया पर चेता हूँ पता मैं अगली आशीष लैनी आ मैनू परमेश्वर ने उतों का राजा बनाना तो परमेश्वर नू पता ही कि जे ने पाप करता तेरी गवाही उत्थे रह गई है सहज नाल की करता जे बोलो कलीसिया व्याह च गए भंगड़ा पाउंडो भरा ने भंगड़ा वाह यूट्यूब नाल पईआं मैं वाह 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 हासा उंडिया एक बार तक पता मैं स्टेज पर भंगड़ा पाया मैंने दूत ने मारिया चौके भुंजे उस तो बाद मैं भरा मैं हूँ नहीं गा नहीं पाँगा बेइज्जती भी चंगी की परमेश्वर क्या तेन मैं सारे च खज्जल करूँगा पुत जो तू मेरी मर्जी तो बिना की करेगा चलेगा दे किन्ने लोगों ने समझा रही है शैतान तुम सहज नाल की कर देता है अज अकड़ा तो थकड़ा नहीं है जिन्हें लोग अक थक चुके अ टॉपिक उन्होंने वास्ते आ आमीन हुण की लिखा जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर सबर की दौड़ किसी भी लोकेशन सबर की दौड़ जी साढ़े अगे पई है कि दौड़नी आ सबर का मैं जी हौसले नाल अड़े इतने खड़े रहना जिदा जहोशू अड़ा खड़ा रहा
जिस तरह अली शाडा खड़ा रहा तो और प्रभु ने उन्होंने सुपर ब्लेस किया कि नहीं किया किया तालियां कितने वो बचन कितने जो होशु आते थे नहीं किन्ने सुन दिया आमीन। अगली साइड हूँ वेखो जिन्हें कलीसिया के मैंबर आ चाहे नवे आ चाहे पुराने उन्होंने एक ही आवाज आ लिखा यसू वाल तक दे रही है जिहड़ा नेचा का करता संपूर्ण करने वाला है कि वाल तकना भी बोलो गवांडी वाल तो नहीं तकना कि वाल तकना यसू वाल तो कोई नहीं तकता जो लंगर खाते उदो यसू कितने चल जाता है जो फिर जाके भंगड़ा पाउन डे पे डीजे तो उदो यसू नहीं नाल हुंदा उन्होंने लिखा ना मैं तेन छूंगी ना ही त्यागूंगा तू मत्ती च की कहना आंदा मैं जुक दे अंत तक हर वेले तेरे की है भंगड़े बारी कितने चल जाता आडा यसू पोते ते कहना बड़ा आसान आ पर ते चलना बहुत ज्यादा की है औखा तानू रिश्तेदार भी उदा मिलने कहना भंगड़ा पा चलो तू भंगड़ा नहीं पाया ए को व्याह किया इतने डीजे नहीं लाया ये चंगा दास इन्हों का सिंपल जहां तो डीजे भी नहीं लाने दिता सुनो जो तुम व्याह करते तो व्याह परमेश्वर के दूत आते जो निकाह हों जो प्रभु के दास हो जाएगा तो निकाह करके दोवें जोड़ी के उपर हाथ की करते सुनो फिर उन्होंने हमेशा बनी रही तो जो प्रभु नहीं सदते उत्ते सद लेंगे शैतान को डीजे ला के तो उन्होंने कौन ब्लैस करके जाता भी बोलो बोलो वो की लाते होंगे मुंडा अपने व्याह एक होर बोर नहीं अजक बड़ा मशहूर जब की बोलते है वो मैनू लै दौ की हो मैं उन्होंने बोलता की है भरा की लकी मंगता मैं करा अमन को कहना अमन ये बोलता की आ पत्नी मैं पलैजा लै दे कि पता नहीं कर दे आ पैलर लै दे सलारा वो सलारा लै दे मैं सलारे से वह बड़ा खिला खिलाफ ही तू सलारा लैन दिया सलारे ने अगे दुनिया चदाई करती तो और चदाई कर दे सिंपल डिगण वास्ते सही गल डिगा भी पैरों गिटे अड़े तो छेती मुदड़े मूँह डिगा नहीं मेरे जीजो असी मसीह के लोग है साडा कोई अलग नमूना होना चाहिए किन्ने लोग सुनते मैं एक दिन किसी के घर प्रचार कर रहा एक मैं एक वचन दिता कोई पास्टर से किसी के घर मीटिंग करता जिदा मान लो इस घर आप मीटिंग करते हैं वो मीटिंग कर जाता वो घर की खुले वाल छड़ती तो जीन की पेंट पाँदी टी शर्ट हूँ अगे दस दें शर्म आती पर दसना पैना हर बंदा सुधरेगा उसे घर लिबास उसे घर की होगी अभी कहने गल माड़ी आ रब के खात्मा का अलग पहचान होंगी है उसे घर च के मुंडे ना गलत होगी हूँ वेखो रब के दासां का पहरावा जोड़ा अलग होना की है तो जो तुम पहराया जोड़ा पहरावा भड़कीला वा तो हर बंदा ताडे वाल की करेगा वेखेगा कि नहीं इस करके कपड़े पाओ पूरी बाँह पूरा बाजू ढक के रखो कोई ताडा अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिते ताडे अंग प्रदर्शन करनगे तो तुहानू पता पाप मन में उठेगा तो बाइबल च लिखा हाय उस मनुख उत्ते जिधर ही ठोकर किए लगदी है तालियां आमीन। कपड़े पाओ प्रभु कहता कलर पाओ कलरफुल पाओ जरूरी वाइट नहीं बने कलर पाओ पर पूरे होने की आ तो जो पाए भड़कीले हो रहा तो फिर तो गई गई बैस पानी में हुण इत्थे की लिखा अते यसू वाल तकदे रहीए जिहड़ा नेचा दा करता ते संपूर्ण करन वाला किते वाल तकना यसू वाल बस यसू दे वाल तू तकना पैना रब ते भरोसा रखना तेरा देवता ना होवे कोई होर होए मुको हालेलुया दा नारा नोल होए हुण क्यों नहीं मार दे ताली ना मारियो ताली ना मारियो कलीसिया तुहानू बहुत डर लगदा ताली मार दे हालेलुया मेरे जीजो वेखो इक्को ही परमेश्वर आ पहला चलो मैंने एक गल दसो किन्ने लोग अपने चर्च में जिन्होंने पुराने नेम दिया दस आग्ञा होंदिया पुराने नेम दिया दस आग्ञा वा एक सिस्टर दा तकड़ा है दो तीन इतने जो टोला दादा ही बाकी तो सारे मेरे दाल प्रशादे वाले ही प्रभु को भी इदा दे आउंदे किन्ने प्रकार के लोग प्रभु यीशु को आउंदे है चार प्रकार के कोई वचन सुन आउंदा कोई लंगर खाण आउंदा कोई शरारत करन आउंदा तो कोई प्रभु नूं फड़न वास्ते किन्ने प्रकार दे पहली किन्ने प्रकार दे इत्थे पंज प्रकार दे आ अच्छा जी
वेरी गुड। अज वेखो डीओ साहब आए जी, अज लगती मेरी कलीसिया चेक होनी जी सारी, तो मेरे वाला तो लगता हो जाना जी कम। इधर भी बैरियर लगा वा, चलो तारीफ करो जोर दे नाल। वेरी गुड। वेलो अज कोई बच्चा है वो नहीं जाएगा, वड्डे संत बैठे सारे। हालेलुया। पुराने नियम की पहली आग्या सी कि परमेश्वर नू मन्नो तिक्के की पूजा करो, पर कोई कहता जी तो सारे की करते हैं जी खुश। सुनो खुश कर सारे सारे किनू सारे, कोई नाराज ना जी। तो जो मुसीबत आ गई तो बाद किसी ने भी लागे सारे जो भुल जो एक ही आज तीन चीज़ा शैतान साढ़े अगे भी रखता जड़ी उन्हें प्रभु यसू के अगे रखिया। प्रभु ने 40 दिन का फास्टिंग किया, उस वेले शैतान ने परमाया कि नहीं कि कहता जे परमेश्वर का पुत्र है तो इन्होंने रोटियां क्या पत्थर की बन पहला पहला दूजा जे तू परमेश्वर का पुत्र है उचाई तो अपने आप नीचे की कर गिरा दे। आंदा तेरे वचन च लिखा तेरे दूत तेन हथा से चुक की आ लड़गे। शैतान कितों गल कर रहा है कन में जबूर के जरा ती ज्यादा पढ़ पढ़ के तो चटनी की कर देंगे जे कड़ देंगे चटनी कट देंगे वो पूरी टमाटर की चटनी की कर देंगे तो कई अपनी कटा लेंगे ना पढ़ के किन्ने लोग सुनते जोड़े नहीं पढ़ते तो फिर उन्हें वो की करनी आ तो जिन्ना पढ़नी आ तो फिर वो चटनी पक्की बननी जो लोग सुनते तुम चटनी बना देनी आ तो गवाही ताकि तैयार की है मारो तारियाँ गवाही वास्ते वालों सुनाया कर दे। वेरी गुड। चलो कुछ ना कुछ तो कर दे। हालेलुया। हुण अगली साइड ते लिखा हुण सुनो मेरे जीजो वेखो प्रभु ने क्रूज चुकया ते प्रभु ने उसनू आनंद दे नाल की कीता। आप आनंद दे नाल हर वेखो जो दुख आ गया यह कहना परमेश्वर तू ही संभाल सकता, मैं संभलिया नहीं रह सकता, तेरी दया संभालेगी। आमीन। लिखा अगे लिखा जिन्हें उस आनंद निमित्त जो ओदे अगे धरिया होया सी लाज नू तुच्छ जान के सलीब दे दुख नू चलिया अते परमेश्वर दे सज्जे पासे विराजमान होया। सब बोले आमीन आमीन आमीन। सुनो पहले नंबर ते प्रभु ने लाज नू तुच्छ जानिया, नंबर एक प्रभु ने शर्म नहीं की, प्रभु दे मूँह ते थुक दई, प्रभु दी दाढ़ी पुट दे, चपेड़ा मार दे, दस भविष्यवाणी कर तेनू चपेड़ किन्ने मारी आ इधर ऐसे कलीसे जे एक थप्पड़ ला दिए ना कबैर नू आ पिया तेरा मैक मैं चली हूँ मेरी सारे ने डंड की कर दी। तो परमेश्वर ने लिखा लाज नू तुच्छ जानिया, उन्हें शर्म नू तुच्छ जानिया ते सलीब दे दुख नू आनंद नाल की कीता। ते फिर बेटा कितने आ बाप दे सज्जे हाथ विराजमान होया वो चल के इतों तक पिया। तो जे एक 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 भजन बोल देंदे ना जेड़ा इतों तक लैके आया अगे भी लैके ये साढ़े डैडी का गाना जी डैडी का फेवरेट आ सुनाओ यार मैनू जेड़ा इतों तक लेके आया। एक ओदा बोल देंदे ना कि एंड ते की आ हाँ हाँ बोलो 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 मैं लिखा नहीं बोलो बोलो जेड़ा वधना चाहुंदा है कदे ना छड़ के। कलीसिया तुसी वधना चाहुंदे जे ते चर्च नू कदी भी छड़ के पत्रस ने छड़िया सी बोलो पत्रस ने की बोलिया परमेश्वर पहले कह रहा मैं तेरे ते कलीसिया थापांगा मैं तेनू कलीसिया दा थंब बनावांगा। सुनो दो मिनट बाद की कहिंदा कहिंदा परमेश्वर मैं चाहुंदा तू क्रूस की करे। पत्रस कह रहा प्रभु मैं चाहुंदा तू क्रूस ना चुक। प्रभु ने कहा हे शैतान मेरे को की हो जा दूर हो जा। दो मिनट बाद तेनू की कह रहा मैं तेरे ते कलीसिया थापांगा मैं तेनू थंब बनावांगा। हुण पत्रस ने गुस्सा किया उन्हें पत्रस नू नहीं सी डाटिया उहदे अंदर जिहड़ा डेवल बोलिया उहनू की किया ही तू इत्थे कबैर नू झिड़क फिरदी मैं कबैर नू नहीं डांटदा जिहड़ा अंदरों बोलदा उहनू मैं डांट की करदा कलीसिया नू नहीं डांटदा कलीसिया दे नाल मैं लव करदा मेरा खुदा तुहाडे नाल बहुत ज़्यादा कलीसिया लव करदा जिन्हें लोग सुनदे आ। तारीफ करो जोर दे नाल। हालेलुया। हुण समझ लगी आ प्रभु ने सलीब का दुख झल्लिया ते परमेश्वर दे सज्जे पासे सिंघासन ते की होए विराजमान पदवी मिली कि नहीं मिली जेड़ा आखिर तक सहेगा ओही बचाया जाएगा जेड़ा चर्च बदली जाएगा ओदा ते मैनू कोई भी पता ओदे बारे मैं नहीं कह सकता क्योंकि जिते बाइबल चुप आ उत्थे आपां वी की है
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਗਵਾਹੀ ਬਨਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਆਮੀਨ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਗ ਬਾਜੀ ਸਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਬਾਜੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ ਕਿਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗ ਬਾਜੀ ਸਹਿ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਕੀ ਏ ਇਹ ਵਰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਕਣਾ ਅੱਕਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਕਣਾ ਥੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਕਣਾ ਥੱਕਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੋ ਦਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਮੈਂ ਅੜਾ ਔਰ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ 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 ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ ਕਿੰਨੇ ਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਚਰਚ ਢਾਤੇ ਫਲਾਣ ਕਰਤਾ ਢੀਂਗ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਐਤ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਗੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬਿਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਉਣ ਤੀਕਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲਹੂ ਲਵਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਕੀ ਏ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੋਂ ਨਟਕੀ ਏ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੈਦ ਪੜਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਤ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਨਾ ਕਰੀ ਫਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਢੀਂਗ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਭ ਖੋਲੋ ਬਚਨ ਸਹਿਤਾ 30 ਉਹਦੀ 5 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਬੂਦਕ ਨਸਰ ਨਬੂਦਕ ਨਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਵਿਦਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨੀਅਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜਿਓ ਚੱਲ ਨੜ ਜਾਓ ਤੂੰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਮੜਕੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣੋ 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 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਆ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਫੇਥ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰੋਜੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ
सवाल का जवाब दिता। सुनो दानियल ने क्या क्या आंदा राजा भवे बंदा धर्मी होवे तो भवे बंदा पापी होवे मुसीबत दोवां उत्ते की हुंदी है। तालियां तालियां क्यों नहीं मारदे? वो तो बड़ा वड्डा पॉइंट सी। उस वेले ने कहा इस बंदे नूं रखो। आंदा सुलेमान लिखता फिरौन राजा की आंदा हाँ मैनू पता वचन च लिखा फिर फिरौन ने तां लिखता सॉरी नबूदिकनसर नहीं सुलेमान बाइबल च लिखा कि जो तूने सवाल का जवाब दिता ना भावें धर्मी आ तो भावें पापी आ मुसीबत दोवां ते की होनी जे आनी कि नहीं कि भजना मुसीबत तो मैं इस आयत के नाल तुहानूं सैट कर जा रहा जी आयत ही आयत पढ़ा जा रहा। ये भैन मेरी कुलदीप की बड़ी फेवरेट आयत आ। यस पता मैनूं मैनूं कल्ले कल्ले बच्चे का पता। सुनो 30:5 लिखा ओदा क्रोध पल भरदा है पर ओदी किरपा जीवन भरदी है। आंदा भावें रोना रात नूं टिक्या रहे पर सवेर नूं जय जयकार किए। जिन्हें नहीं पता भी ताली मार दो। वेलो कलीसिया की कहिंदा दाऊद कहिंदा परमेश्वर का क्रोध जिहड़ा थोड़ा वा पर ओदी किरपा जिहड़ी जीवन भरदी आ। आंदा भावें रोना रात नूं टिके पर सवेरे उठदिआं जय जयकार किए। असीं 3 बजे रो रहे सी ना प्रेयर कर करके वेखो खुदा दे दास साडे सामने आ प्रभु ने साडी प्रेरता की दे दिता। मैं कलीसिया नूं स्ट्रोंग करना चाहुंदा तां बिना बाइबल ते तुसीं स्ट्रोंग नहीं हो सकदे। जो मैं लिख के देना चर्च बदली जाओ चर्च बदलना कुछ नहीं होना बाइबल पढ़ो ते अपनियां आदतां बदल दो। प्रभु तुहानूं इत्थे आशीष करन वास्ते की ए इदां सुटदा अच्छा फड़ ला फड़ ला फड़ ला लै ला लै 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 पर अहीं की करदे आ चर्च लगता ज्यादा मसा 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 कितने आ मसा ताडे अंदर आ इनू अंदर तो खोजो चमत्कार ताडे अंदर लुकिया। जो 5 प्रेरा करो घुटने तो जाओ चमत्कार होने वास्ते की है चमत्कार तो ही करने आ। प्रभु ने की बोलिया जिशाया 55 च की लिखिया जाग जाग अपना बल की कर धारण कर। अगे की लिखिया अपने सोने बस्तर की कर अपने तो की चाड़ खाक की कर दे पाप की मिट्टी की कर दे चाड़। लास्ट के लिए क्या अपने तो बन तो जूला की कर। प्रभु ने लोना के तू ही लोना रोजे प्रभु ने रखने के तू ही रखने प्रेयर प्रेयर प्रभु ने करनी के तुझी करनी। बच्चा प्रभु ने चाहिए कि तुहानू चाहिए घर तुहानू चाहिए कि प्रभु ने चाहिए वधिया नींद तुहानू चाहिए कि प्रभु ने चाहिए फिर प्रभु क्यों करे तुसी करो। मेरे जिटू अज तुझे न्याणे नहीं रह गए तुझे निपल आए नहीं जे ना नेपी आए जे हुण तुहानू पता कि प्रेयर करने पैनी रोजे रखने पैने दुखां विच भी उहदे च अड़े और खड़े रहना की है। आमीन तो कंग्रेचुलेशन प्रभु तुहानू ब्लेस्ड करे इस वचन द्वारा सब जोर की तारीफ करांगे। आमीन सब खड़े हो जो ले हैंड वास्ते लास्ट मैं ले हैंड करांगा फिर एंड ते प्रे करांगा। जितने भी बच्चे मेरे म्यूजिक मेरा लगा दो अनाइटिंग ऑयल पकड़ लो पास्टर जी।